रोहड़ू के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने प्रदेश सरकार पर रोहड़ू के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि रोहड़ू में सारे विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ चुके हैं। जहां तक रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ पर डेढ़ साल में कोई भी ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, नया काम नहीं हुआ जिसके कमी को ये राम ठाकुर जी को बधाई देना चाहे या उनका धन्यवाद करे। कोई भी काम नहीं होगा हो रहा। रोडों के साथ जो है सौतेला व्यवहार जैसा हो रहा है, सड़कों के कई जगह बुरे हाल है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप खचदार रोड में जाइए, खचदार रोड की स्थिति बुरी है। आपका ये जितना ये हमारा दूसरा रोड है, हमारा बटियारा वाला रोड देखो, आप आगे बटियारा से हो जाता है डाकघर, बुरे हाल है, बहुत सारी है कई। यहाँ तक मेरा अपना रोड, मैंने प्रशासन को कई बार बोल दिया, पीडब्ल्यू को बोल दिया, मैं कह करो दोस्तों अभी हमारे पास थोड़ा सा सीजन था, करते नहीं किया अभी तक। लग रहा है रोड़ू पता कैसा है, जैसा कि हम प्रेसिडेंट से रूल है, अधिकारी और कर्मचारी को इतना डराया हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, इतना डराया धमकाया हुआ है, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट।